नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यार दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक हीट यानी ऊष्मा के बारे में तीसरा टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा टॉपिक को हम लोग कम्प्लीट करें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर 9 टॉपिक है, 81 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूथ पब्लिकेशन बुक से। दोस्तों, जैसा कि हर एक वीडियो में बताते हैं कि यूथ पब्लिकेशन का बुक है जिसमें रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। इस बुक का भाग वन स्टार्ट किए हैं फिजिक्स, उसमें हम लोग लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हीट का तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर में दोस्तों, तीसरा टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे जिसमें ऊष्मीय प्रसार के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन में होता है दोस्तों कि हीट पा करके कोई वस्तु एक्सपेंड कर जाता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि उसका लेंथ, उसका वॉल्यूम या फिर उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या उसका कम जाता है। ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन हो गया दोस्तों। तो इसमें एक ही है, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन के नाम पर आप देखे होंगे, सुने होंगे कि रेल के पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है ठंडा में बढ़ जाती है और गर्मी में क्या हो जाती है कम जाती है। तो क्यों कमती है? क्योंकि जैसे ही गर्मी होता है दोस्तों, हीट पा करके क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है, तो दो पटरियों के बीच का गैप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही ठंडा आता है दोस्तों, तो हीट कम जाता है, सराउंडिंग क्या होता है, टेम्परेचर कम जाता है, तो इसमें से हीट रिलीज होकर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि इसमें पटारियों के बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। तो चलिए, इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या कह रहा है पहला ऑब्जेक्टिव नंबर 32 कह रहा है, 32 कह रहा है, लोहे की पटारियों के बीच का एक छोटा सा अंतराल क्या होता है, एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि गर्मी में क्या होगी, वह बढ़ेगी और ठंडी में क्या होगी, वह घटेगी। इसलिए थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है अंतराल, क्योंकि जब अगर जो गर्मी में बढ़ जाए तो वो गैप भर ना जाए। चलिए, इस कह रहा है आर में कह रहा है, लोहे गर्मी में फैलती है, विकल्प। अब इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में ए सही है, बी आर गलत है, बी में कह रहा है आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, सी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या करता है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन जे सी है दोस्तों सही है। अब देखिए, कह रहा है इसका सोल्यूशन कह रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच का एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में क्या होती है, फैलता है, अतः कारण मतलब कि गर्मी में क्या होता है, लोहा फैलता है। अब देखिए दोस्तों, अब आ गया संवहन। हम जब पिछले वीडियो में देखे थे कि जो टेम्परेचर है दोस्तों, वह एक दूसरे से दूसरे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है, वह तीन मीडियम से जाती है दोस्तों, तीन प्रकार से जाती है। कौन कौन से? पहला चालन से जाती है, दूसरा संवहन से जाती है और तीसरा विकिरण से जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का संचालन कैसे होता है, चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है और विकिरण द्वारा होता है। चालन द्वारा किस में होगा दोस्तों? तो ठोस से ठोस में होगा चालन द्वारा, ठोस से ठोस में होगा चालन द्वारा, द्रव गैस में होगा किसके द्वारा, द्रव गैस में होगा संवहन द्वारा, और विकिरण द्वारा दोस्तों होता है। इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का ऊष्मा जो है से पृथ्वी तक आ रहा है, उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता है, कहीं पे निर्वात भी है तो कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, यानी कि कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें ऊष्मा का संचालन होगा तो वो क्या होगा, वो होगा विकिरण। अब देखिए, हम लोग समझ गए तीन प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण से ऊष्मा का संचालन होता है। अब इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव बोल रहा है 33 ऑब्जेक्टिव बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि तंत्र तरल पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालन होती है। किसे? तंत्र, क्या कह रहा है, तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालन होती है। देखिए दोस्तों, जो तंत्र कहने का मतलब तरल जो है, तरल पदार्थ किसके द्वारा होती है, तो होती है संवहन द्वारा। किसके द्वारा? तरल पदार्थ, द्रव गैस किसके द्वारा होती है, संवहन द्वारा, यानी कि संवहनी संबंधी तंत्र द्वारा तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, संचालन होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। देखिए दोस्तों, कह रहा है संवहन उष्मा के स्थानांतरण के संचार की एक क्या है, विधि है। इसके द्वारा क्या होती है, किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव, प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा उष्मा का लेन देन होता है। ठीक है, ठोस में संवहन संभव नहीं है किंतु तरल पदार्थ में संवहन उष्मा के संचारण की एक मुख्य विधि है। देखिए दोस्तों, हम लोग इससे भी पिछले वीडियो में बताए थे कि टेम जो हम लोग उष्मा मेजर करते हैं वो कितने प्रकार के स्केल से मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, रैंकाइन में करते हैं, रीमर में करते हैं, पांच प्रकार के स्केल में करते हैं। तो
तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके प्लेलिस्ट में जा करके उषमा का जितना भी वीडियो है उसको बारी बारी से देखें दोस्तों। उससे क्या होगा आपको कि आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों, पदार्थ की वास्तविक गति पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण एक प्रणाली है। किसके द्वारा क्या प्रणाली है दोस्तों? तो प्रणाली है पदार्थ की गति कर रहा है, पदार्थ गति कर रहा है यानी कि पदार्थ क्या है, लिक्विड है, तरल है, तो संवहन द्वारा। पदार्थ में अगर जो गति हो तो किसके द्वारा? संवहन द्वारा। और पदार्थ ठोस रहे तो किसके द्वारा? तो चालन द्वारा। देखिए दोस्तों एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या रहा इसका डिस्कशन? संवहन उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है जिसमें पदार्थ जैसे गैस, द्रव, प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा उष्मा का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों, द्रव और गैस में ताप अंतरण मुख्यतः कारण क्या है? द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है दोस्तों? तो क्या है द्रव और गैस में? तो संवहन है दोस्तों। देखिए जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब एक संवहन में क्या होता है, द्रव गैस को क्या करते हैं? गर्म करने से पहले नीचे की द्रव या गैस क्या होती है? ठंडा रहते हैं। क्या करता है? गर्म करने से पहले नीचे की द्रव क्या रहता है? ठंडा रहता है। मान के चलिए एक कंटेनर में हम द्रव या गैस ले लिए, ठीक है, इसमें हम गैस भर दिए या लिक्विड भर दिए, द्रव भर दिए, नीचे की जो वस्तु है वो क्या रहेगा? ठंडा रहती है, ठीक है। अब जब से ही हम यहाँ पे हीट देते हैं दोस्तों, तो ये ठंडा वाली क्या होती है? पहले गर्म होगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाला जो ठंडा वाला था वो नीचे चला आएगा। ऐसे ही करके इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। अब देखिए आगे पढ़िए क्या होती है, जैसे गर्म करना शुरू करती है तो संवहन धारा बहने लगती है, जिससे नीचे की ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आ जाता है। इसी तरह से पूरे द्रव में गैस का उष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब आ गया फिफ्थ टॉपिक। कह रहा है कि सुचालक और कुचालक यानी कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, यानी कि कौन उष्मा के कंडक्टर है, कौन उष्मा के नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। जिसने उष्मा को कंडक्ट किया यानी कि जो जिसमें उष्मा का या टेम्परेचर का क्या हो फ्लो कर दिया हुआ कंडक्टर है, जो टेम्परेचर का फ्लो नहीं करेगा वो क्या है? नॉन कंडक्टर है। और जो टेम्परेचर का एकदम फ्लो नहीं करना देना आपने से इधर आर मतलब कि टेम्परेचर को इस एरिया से इस एरिया में नहीं जाने देगा वह इंसुलेटर है दोस्तों। देखिए अब थोड़ा हम टूटा फूटा भाषा में देखें, अब इसको जैसे ही डिफिनेशन पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आया। कह रहा है उन्हीं कपड़ों को जाड़े में गर्म रखते हैं, उन्हीं कपड़े क्या करते हैं? उन्हीं कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं क्योंकि उन उष्मा का सुचालक है, उन उष्मा का सुचालक है, उन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, उन शरीर के तापमान को घटाता है। नहीं दोस्तों ऑप्शन ए सही है, उन जो है उष्मा का सुचालक है। अगर जो उन उष्मा का सुचालक रहता दोस्तों तो मान के चलिए मानव शरीर है, मानव शरीर के ऊपर क्या रहा है? उनका वस्त्र है और इधर सराउंडिंग जो है ठंडा है। अगर जो सुचालक रहता दोस्तों तो ई कंडक्ट कर लेता सारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर हो जाता और आदमी को क्या लगता? ठंडा लगता। लेकिन ये क्या है, इधर का टेम्परेचर उसको इधर रखता है और शरीर का टेम्परेचर को शरीर की तरफ रखता है, इसीलिए क्या रहता है? ठंडा में ऊनी वस्त्र पहनने से गर्म लगते हैं। अब देखिए इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं। क्या? ऊन उष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर से रोकता है। दूसरा कह रहा है कि ऊनी कपड़ों में छिद्र से हवा भर जाती है जो कि उष्मा का कुचालक हो जाती है, जिस कारण शरीर में उष्मा की हानि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक एवं बैड कंडक्टर है? कौन सा है जो उष्मा का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? दोस्तों पानी जो है उष्मा का सुचालक है, हीरा भी उष्मा का सुचालक है, माइका भी उष्मा का सुचालक है, लकड़ी जो है दोस्तों उष्मा का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है। ऑप्शन ए सही है, कौन सी? लकड़ी। देखिए कह रहा है दोस्तों लकड़ी उष्णता कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। विद्युत रोधी इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और उष्मा के प्रवाह को विरोध करते हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से क्या करते हैं? विद्युत धारा उष्मा के प्रवाह क्या करते हैं? विरोध करते हैं। या जिनमें से होकर उस समान स्थितियों बहुत कम धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी कि बहुत कम कहने का मतलब न के बराबर धारा को प्रवाहित करते हैं। लकड़ी बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि क्या है? कुचालक है। कुछ उदाहरण है कुचालक का।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 कह रहा है दोस्तों, 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव, बोरोसिलिकेट ग्लास का बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों यह ऊष्मा का क्या है, कुशल है, यानी कि ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, ऊष्मा ऊर्जा कुशल होता है, यह ऊष्मा ऊर्जा कुशल होता है। देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन जिसमें खाना वगैरह गर्म करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास, क्यों किया जाता है? क्योंकि ऊष्मा का अत्यधिक प्रतिरोधक है, क्या है? ऊष्मा का अत्यधिक प्रतिरोधी है, यानी कि बाहर नहीं जाने देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 39 कह रहा है, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है, विद्युत का काफी अच्छा क्या है, चालक है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहता है माइका, बैकेलाइट, शुष्क वायु, ग्रेफाइट। देखिए दोस्तों ग्रेफाइट जो है एक ग्रेफाइट जो है दोस्तों तो विद्युत का काफी अच्छा क्या है, चालक है, यानी कि विद्युत का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। कह रहा है इसका डिस्कशन में दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है, ग्रेफाइट क्या है एक अधातु होते हुए इसके अपवादात्मक गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होती है, इसके प्रत्येक परमाणु के चौथे संयोजक इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होते हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का सर्वोच्च चालक बनाता है, क्या बनाता है, सर्वोच्च चालक बनाता है विद्युत का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वस्तु क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है। कह रहा है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक बन जाता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ में एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, देखिए सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है दोस्तों वो चांदी पदार्थ का है, चांदी पदार्थ जो है सुपर वाला कंडक्टर है चांदी पदार्थ, इसलिए चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है दोस्तों 41, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक नहीं है मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि विद्युत को फ्लो करने नहीं देता है, कौन सा है? तो आपको पता होगा चीनी मिट्टी जो है विद्युत का सुचालक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, विद्युत आवेश का क्या है, सुचालक है, कौन सा है, कांच, तांबा, कागज, पानी, विद्युत आवेश का सुचालक है दोस्तों तांबा, कौन सी है, तांबा जो है विद्युत आवेश का सुचालक है, ऑप्शन सी सही है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश, देखिए पानी भी विद्युत का सुचालक है दोस्तों लेकिन प्योर पानी जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, अशुद्ध पानी जो है विद्युत का सुचालक है। जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सफलता से प्रवाहित होता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि क्या है, सुचालक है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज, फाइबर, पीवीसी आदि सब क्या है, विद्युत का कुचालक है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, समानता का पता लगाएं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, इसमें समानता का पता लगाएं, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी अच्छे सुचालक है, क्या है, अच्छे सुचालक है इलेक्ट्रिक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 कह रहा है दोस्तों कि किसी ठोस वस्तु का उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है, कोई ठोस वस्तु है दोस्तों उसकी उष्मीय चालकता, उसका उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान से क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ते तापमान पर क्या होता है दोस्तों, घटेगा, क्या होगा, उष्मीय चालकता घटता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, कौन से समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, देखिए प्लास्टिक ऊष्मारोधी है, बैकेलाइट, बोनाइट ऊष्मारोधी है, कागज, कपास ऊष्मारोधी है, बैकेलाइट ऊष्मारोधी है, शुष्क हवा ऊष्मारोधी है, रबड़ क्या है, ऊष्मारोधी, यानी कि ऑप्शन बी सही है, इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मारोधी शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है दोस्तों 46 तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन है, देखिए ऊष्मा कुचालक तो आपको सोना भी ऊष्मा का सुचालक है और चांदी भी ऊष्मा का सुचालक है, ये है शीशा दोस्तों और पारा, शीशा पारा ये जो है ऊष्मा का क्या है, कुचालक है दोस्तों, क्या है, कुचालक है, ऊष्मा का बैड कंडक्टर है। देखिए पीवी और एचजी, लेड, पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा का संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में क्या करता है जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है थर्मिस्टर, ऑप्शन ए कह रहा है थर्मिस्टर, बी कह रहा है द्विध्रुवीय, और सी कह रहा है ट्रांजिस्टर, और डी कह रहा है दोस्तों संधारित्र यानी कैपेसिटर। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है दोस्तों, थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है। क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तन होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोध का मान ताप में परिवर्तन होने पर बहुत कम प्रतिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। अगर जिसका ताप बदलेंगे दोस्तों तो इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाएगा। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक में भी करते हैं थर्मिस्टर का प्रयोग, सेल्फ रिसेटिंग या फिर ओवर करेंट प्रोटेक्टर में उपयोग करते हैं, एवं स्वयं नियंत्रण हीटिंग एलिमेंट यानी कि जैसे जितना टेम्परेचर पर हुआ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगी तो बंद हो जाएगी, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक आ गया किरचॉप्स, स्टीफन्स नियम, न्यूटन शीतलन नियम आदि आ गया। अगला टॉपिक टॉपिक नंबर 6 है दोस्तों, तो इसको अगला वीडियो में करेंगे। लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी चैनल के नाम से, शिक्षा दर्शन के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसमें जुड़ें और उसमें PDF वीडियो आदि का आप थोड़ा सा उसमें